हेलो गाइस, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अभी हम मड चिट्टी आए हुए हैं जहाँ पे शूट चलता है, बहुत सारा स्टूडियो, और मैं भी शूट करती हूँ। मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया अपने आप को। मैं चांदनी गुप्ता और मैं आर्टिस्ट हूँ प्रोफेशनल, और अभी ब्लॉग बनाना अभी भी शुरू किया है। तो बस देखिए, अभी जा रहे हैं, अभी तो हाँ कुछ है वर्सोवा जेटी, यहाँ से बोट क्रॉस करके आई हूँ मैं, और अभी आगे जा रही हूँ। तो फिर आपको स्टूडियो वगैरह दिखाती हूँ। यहाँ पे बीच भी है बहुत सारा, तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी थोड़ा सा आप बाहर का नजारा देखिए। ये मठ चेटी है जो मलाड में आता है, और मठ और वर्सोवा दोनों मिक्स है, मतलब बस बोट क्रॉस करने और आना है। ये देखिए, इधर पूरा पानी का चारों तरफ समंदर वगैरह दिख जाएगा, जो अभी नहीं दिख रहा है। तो बस चल रहे। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि अभी भी शुरुआत है यार, अभी मुझे उतना नहीं आता है ब्लॉगिंग का, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, बट लाइक धीरे धीरे करते करते इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि एक्टिंग भी करते करते इम्प्रूव हुआ, तो ये भी चीजें करते करते इम्प्रूव हो जाएगा। आई नो, बस आप लोग कॉपरेट करिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, बस यही चाहती हूँ मैं। और अभी आगे चलते स्टूडियो वगैरह दिखाते हैं आपको, ठीक है? क्योंकि रास्ता दिखा के कोई मतलब है नहीं, तो ठीक है। अभी अभी फर्स्ट टाइम अभी शुरुआत किया है मैंने ब्लॉगिंग बनाना, तो अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, बस ऐसे ही अभी चल रही जैसे भी स्टूडियो वगैरह। मॉर्निंग में आते हो ना शूट पे, तो तब बनाया करो, फिर हाँ ड्यूरिंग शूट जो भी रहती है, मैं भी एक्टर हूँ, तो ड्यूरिंग शूट जो होता है उसका मैं बनाते हैं, पब्लिक ज्यादा अट्रैक्ट होती है, हाँ नाम अच्छा अट्रैक्ट हुआ तो मक्कड़ गा। थैंक यू। हाँ, मुझे वैसे भी ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है। तो यहाँ पे हम अभी कहाँ पे आ रहे हैं, लखनऊ से कहाँ पे गए? नहीं, उधर ये टीम मत का देना मुझे, लोग है। नहीं, डोंट वरी, आप लोग नहीं आओगे, टेंशन चालू है मत लो। हाँ, चालू है, बस मेरा ही फेस दिख रहा है और पूरे पसीने से भर गया। तो अभी शूट मेरा नहीं चल रहा है, अभी थोड़ा सा कहाँ से है, रहने वाले? छुट्टी है, दिल्ली, दिल्ली में गाते हैं, दिल्ली गुड़गांव। में गाते हैं, मैं द्वारका से। ठीक अच्छा, है, वैसे हम लोग आ गए, अच्छा थैंक यू, मैदान जो कर रहा हूँ, टेंशन होता थैंक यू सो मच। आप लोग देखिएगा मेरा हाँ, चेहरा तो ना, पक्का बोलूंगा, पक्का घुमक्कड़ गर्ल। नाम भी ऐसा हो तो याद ही रहेगा, हाँ सर, अभी अभी नाम रियली बहुत है। थैंक यू सो मच। मेरे दिमाग में बस कुछ ना कुछ चलता रहता, तो मैंने सोचा कुछ अलग रखते हैं हम लोग। हमने आपसे बात की है, ये हुआ तो यहाँ पे ये चर्च है, और इधर भी ये देखिए सामने बंगलो बंगलो दिख रहा है, इधर भी बहुत सारा स्टूडियो है, क्योंकि मैं आप लोग को दिखाती हूँ बैक कैमरा। ये जैसे कि सब लोग देखते हैं कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। यहाँ से जाएंगे, जेट्टी आएगा, और यहाँ से वर्सोवा जेट्टी, इधर भी बहुत सारा स्टूडियो है, और एक ये चर्च है जो बहुत फेमस है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लोग मैं फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, आइए चर्च पे दिखाते हैं। आज मोस्टली स्टूडियो सब बंद है, चल रहा है। ये देखो, ये है बस स्टॉप बॉम्बे का, ये है चर्च। देखिए बस आ रही है, सब लोग ये पूछ रहे हैं, सब लोग ये पूछ रहे हैं, एक्चुअली क्या, मैं अभी हमेशा इधर शूट करने आती थी, पहली दफा ब्लॉगिंग का कर रही हूँ, तो सब लोग कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रास्ते में मिल रहा है, कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। तो इधर भी जाएंगे, इधर अक्सा बीच है, दाना पानी बीच है, ये भी, और बहुत सारा इधर बीचेस है, तीन चार बीचेस है, और अभी नहीं जा सकते क्योंकि सनलाइट कम हो गया है, तो इसलिए। और यहाँ पे लाइन से बैक टू बैक स्टूडियो है, इस साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, इधर उधर चाय, सब जगह स्टूडियो लगी है। और अभी क्या, अभी मोस्टली सब बंद है ना आज, तो नेक्स्ट टाइम जब हम शूट करेंगे तो और भी स्टूडियो वगैरह आप लोग को दिखाएंगे, जहाँ पे मोस्टली मेरा शूटिंग था वो स्टूडियो आपको दिखाएंगे। बाकी इधर सब स्टूडियो है, कभी आप लोग को घूमने आना हो और यहाँ पे शूट वूट देखना हो तो इजीली आप लोग देख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा।
इस साइड में बीच है, अक्सा बीच बहुत ही फेमस है, दाना पानी भी बीच बहुत फेमस है, तो आइएगा कभी देखिएगा। चलते आगे, कंटिन्यू आगे, थोड़ा बहुत और भी स्टूडियो आने वाला है, मोस्टली ये पूरा चारों तरफ स्टूडियो, ये लेफ्ट राइट सब जगह, तो बस क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देख रहे हैं कि बंदी ब्लॉगिंग बना रही है। बॉम्बे में ऐसी गलियां बहुत सारी आप लोगों को मिल जाएगी, और बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, मतलब लाइफ फुल ऑन, मस्ती एनी टाइम, चिल करो, इधर घूमो उधर घूमो, चारों तरफ घूमना घूमना, तो बस नहीं ऐसा कुछ नहीं, काम भी इधर बहुत है, काम करो घूमो लाइफ एंजॉय करो, एक ही तो लाइफ है, क्या इतना टेंशन वेंशन लेने का, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, मैं नहीं सोचती बिल्कुल भी नहीं। अभी चलते हैं, यहाँ पे भी सब शॉप वगैरह है, और ये देखिए सामने स्टूडियो दिख रहा है आप लोग को, और चलते हैं अभी एक एक स्टूडियो पे तो फोकस नहीं कर सकते, बट दिखाते हैं आपको, ये है ये रोड, यहाँ पे चारों तरफ स्टूडियो है, यहाँ पे शूट होता है, इधर भी मैंने बहुत सारा शूट किया है, अंदर भी बहुत सारे है, और ये है बैक, और इस साइड में भी शूट चलते रहते हैं, चलते ना उधर कहाँ जा रही है, हेलो बाप रे, वो तो अंदर अंदर चलेगा भाई, थोड़ा बहुत और फुटेज ये देख के और दिखाते हैं, ये आर्टिस्ट स्टूडियो है उषा का, अरे सॉरी यार मुझे बैक कैमरा दिखाना पड़ेगा, ये आरडी बंगलो, यहाँ पे भी बहुत शूट किया है मैंने, अंदर देखो वो तो चली गई अंदर फटाफट बनने, ये भी सारे स्टूडियो है, अभी यहाँ पे कोई शूट नहीं चल रहा, और वो बोल रही है मेरे को कि मैं भी नहीं बना रही हूँ, बस यही है मुंबई की लाइफ, चले और भी आप लोग को स्टूडियो दिखाते हैं, इधर तो चारों तरफ स्टूडियो ही है, मैंने बताया ना इसे आपको, ये देखो ये पान का शॉप लगा के रखा है, ऐसे होता है हम लोग के शूट पे सारे लोकेशन इधर ही बना लेते हैं, बॉम्बे यूपी दिल्ली जहाँ जहाँ का फुटेज दिखाना रहता है शूट पे, तो वो मोस्टली ऐसे डेकोरेशन करके सेटअप करके स्टूडियो, बस सारी है लाइन से, ये सारे स्टूडियो हैं, अंदर जाएंगे अंदर भी स्टूडियो है, और मुझे अभी शूट थोड़ा कम हो गया दिवाली की वजह से, इसलिए मैं भी अभी वेली हूँ क्योंकि शूट वाले लोग भी फेस्टिवल तो मनाते हैं, आपको दिवाली तो एक साल में एक दफा आती है, तो ये सब स्टूडियो है जैसे आप लोग को दिख रहा है ना, ये चारों तरफ स्टूडियो ही है, और यहाँ पे लोग रहते भी है, गाउंटी लोग जो मराठी होते हैं ना, टिपिकल गाउंटी, वो लोग रहते हैं, चलिए इधर का भी टूर कराते हैं, अंदर तो बहुत सारा स्टूडियो है, बाहर भी है, देखते कि ये तो आप लोगों ने देखा ही, थोड़ा बहुत और स्टूडियो आप लोगों को घुमाते हैं, देखते हैं क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा आ रही हूँ तो स्टूडियो छुप जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग स्टूडियो भी देख लें कहाँ पे शूटिंग कैसे चलता है, अभी तो मोस्टली शूट रुका हुआ है, कहीं कहीं शूट है कहीं कहीं नहीं है, जैसे कि वो जो ग्रीन विला था जहाँ पे मैंने शूट किया था फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे तो शूट चल रहा है, और इस साइड से अभी हम लोग आए, इधर का मैंने दिखाया जो ग्रीन विला था स्टूडियो, चलते हैं आगे, इधर स्टूडियो है,
आगे दिखा। तो अभी शाम के 6 बज गए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि इस साइड में भी बीच है और स्टूडियो है और इधर भी स्टूडियो है। तो अभी सनलाइट गया, तो नेक्स्ट टाइम जब हम शूट करेंगे तब आप लोग को ट्वीट कराते और कहीं घूमने जाते, फिर वो भी ब्लॉगिंग बनाते। बस आप लोग का प्यार सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि अभी शुरुआत है और मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आइडिया कैसे कैसे, बस ऐसे बना रही कैमरा, इधर उधर हिल रहा है, चीजें हो रही हैं। और बस एडवांस हैप्पी दिवाली आप सभी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बंगलोर यहाँ पे भी शूट चलते हैं, इसलिए मैंने बैक कैमरा सोचा दिखा दो, क्योंकि फ्रंट कैमरे में बहुत सारी चीजें नहीं आती ना, आती तो है बट सब वीडियो में मैं दिखूंगी तो थोड़ा सा ये सब भी दिखाना जरूरी है। तो अभी हम आ गए शूट लोकेशन पे, ये देखिए, ये है ग्रीन विला जहाँ पे मैंने बहुत सारा शूट किया। मैंने डीडी का एज अ लीड सीरियल किया था, यहीं पे किया था और मेरी बहुत सारी यादें हैं इस स्टूडियो से। ये देखिए अभी भी शूट चल रहा है, वन सेकेंड बैक कैमरा दिखाती हूँ। ये है मेरे स्टूडियो जो ग्रीन विला दिखाया मैंने आपको, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हाय बोलो ये लोग घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे, मैंने बोला आ जाओ, अच्छा कम 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 आ जाओ, तुम लोग पूरा वीडियो में दिखना चाहिए, मैं दिखूँ या ना दिखूँ बच्चे दिखना चाहिए। चलो हाय बोलो, बोलो दीदी का चैनल फॉलो। देखिए ग्रीन विला अभी शूट चल रहा है, ऐसा ना कोई जान पहचान वाला मुझे मिल जाए तो बस वो लोग मना कर रहे हैं। तो देखो शूट चल रहा है, अरे दीदी कहाँ चली गई आज, बस मना करेंगे ये लोग, क्योंकि अभी मेरा शूट नहीं चल रहा ना, अभी दूसरों का चल रहा है, ये स्टूडियो से शूट चलता रहता है। देखिए ये था मेरा मेकअप रूम सामने, और बस अभी और भी स्टूडियो लेके चलते हैं आपको, बहुत सारा स्टूडियो है इधर, इससे स्टूडियो से ये ग्रीन विला से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, इसका नाम है ग्रीन विला। ये गेट है और इधर भी जाएंगे, इधर लाइन से स्टूडियो है, राइट मारेंगे, राइट में भी स्टूडियो है, लेफ्ट में भी है। वो कहाँ चली गई दिल्ली, आगे का भी फुटेज दिखाते हैं आपको। तो अभी शाम के 6 बज गए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि इस साइड में भी बीच है और स्टूडियो है और इधर भी स्टूडियो है। तो अभी सनलाइट गया, फिर नेक्स्ट टाइम जब हम शूट करेंगे तब आप लोग को ट्वीट कराते और कहीं घूमने जाते, फिर वो भी ब्लॉगिंग बनाते। बस आप लोग का प्यार सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि अभी शुरुआत है और मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आइडिया कैसे कैसे, बस ऐसे बना रही कैमरा, इधर उधर हिल रहा है, चीजें हो रही हैं। और बस एडवांस हैप्पी दिवाली आप सभी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।